Assalamualaikum friends, welcome back to my channel Cooking with Family में आप सभी का वेलकम है। तो आज मम्मा बनाने वाले हैं इफ्तार के लिए पोटैटो नट्स। मम्मा, पोटैटो नट्स के लिए हमको क्या इंग्रेडिएंट्स लेनी चाहिए? Assalamualaikum friends, आज हम इफ्तार में पोटैटो नट्स बनाने वाले हैं। ये अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी रहते हैं। ये हम 3 आलू उबालिए, इसको हम ये इस तरह से हाफ करके बॉइल कर लेना और उसके बाद हम इसको ऐसा क्रश कर लेंगे। ये पूरे आलू को हम इस तरह से बॉईल करके ये कद्दूकस पे ऐसा पीसेस कर लेंगे। इस तरह से हम इसको कद्दूकस कर लेंगे पूरे पोटैटोस को। चलिए ये देखिए, इस तरह से हम इसको कद्दूकस कर लिए हैं। ये बारीक हो गए हमारे पोटैटोस। अब इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसमें हाफ टी स्पून हम नमक ऐड डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स के बाद हाफ टी स्पून इसमें हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसमें हाफ टी स्पून थोड़ा सा इसमें हम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा हम इसे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा हम हरा धनिया है बारीक काट लिए हैं उसको, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा नींबू का जूस डालते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें हाफ टी स्पून, सिर्फ हाफ टी स्पून बॉन्डिंग के लिए कॉर्नफ्लोर मिक्स करते हैं। इसमें हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम नट्स बनाते हैं। नट्स बनाने के लिए अब इसको अच्छी तरह से गोल कर लीजिए। गोल करके इस तरह से इसको शेप दे दीजिए। शेप देने के बाद इस तरह से शेप दे देंगे हम इसको। ये देखिए, ये हमारे नट्स बनके तैयार है। इसी तरह से हम एक और बना लेते हैं। अगर ये हाथों को चिपके तो थोड़ा ऑयल लगा लीजिए, थोड़ा ऑयल लगा कर बना लीजिए। इसे राउंड कर दूंगे इस तरह से। राउंड करने के बाद इस तरह से इसको बीच में से दबाना थोड़ा, फिर इसको ऐसा साइड से दबा दिया इस तरह से। ये देखिए, ये हमारे नट्स बनके तैयार है। अब इसी तरह से हम इसे पूरे नट्स बना लेते हैं। हमारे नट्स बनके तैयार है, इस शेप में हम बना लिए हैं इसे। ये नट्स बनके तैयार है। अब हम एक बाउल में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर और 2 टीस्पून मैदा लिए हैं और इसको मिक्स करके बैटर बना लिए। अब इसमें डीप करते जाएंगे हम। और ये हमारा ब्रेड क्रम है। ये ब्रेड क्रम में जैसे हम इसको डीप करते जाएंगे, कॉर्नफ्लोर पेस्ट में डीप करके इस तरह से हम ब्रेड क्रम में इसको डीप ऐसा करेंगे। मिक्स डीप करके हम इस तरह से इसमें एक प्लेट में साइड में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी लेंगे, इसको डीप करते जाएंगे, फिर से इसको ब्रेड क्रम में हम मिक्स करेंगे। इस तरह से एक पीस में मिक्स करके ऐसे रखते जाएंगे। पूरे पीसेस को हम इसी तरह से कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप भी बनाइए रेसिपी, बहुत अच्छी बनते हैं ये नट्स। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी। चलिए ये देखिए, हमारे पूरे पीस ऐसे तैयार है नट्स हमारे। इसको ब्रेड क्रम में हम डीप करके रख लिए हैं। अब इसमें हम फ्राई करते हैं इसे। देखिए कितना अच्छा शेप है। इसे हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम फ्राई करते हैं।
चलिए हमारा तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं वरना जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसे हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी हमारे नट्स अच्छी तरह पक सके। इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ा नीचे चले हमको लाइट ब्राउन कलर दिखेगा जब हम इसे हमें चेंज करेंगे। देखिए ये हमारे नट्स थोड़ा लाइट नीचे से ब्राउन कलर हो चुका है। ये देखिए अब इसे हम टर्न कर लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इस तरह से हम पूरे नट्स को टर्न कर लेते हैं। ये देखिए अब एक साइड हो गया है हमारा, एक साइड हम इसे पका लेते हैं। खाने में बहुत अच्छे होते हैं नट्स, ये आप भी बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे। और हमें हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। चलिए देखिए हमारे नट्स अच्छी तरह पक के तैयार हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, ब्राउन कलर बन के तैयार हुए हैं हमारे नट्स। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इस ये कलर में हमको अपने से निकाल लेना है। अब हम एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितने प्यारा कलर आया है। तो चलो हम इसको निकाल लेते हैं, ज्यादा नहीं पकाना है वरना ये जल जाएंगे। ये देखिए हमारे नट्स। अब हम इसी तरह दूसरे नट्स भी डाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। चलिए ये देखिए ये नट्स भी हमारे बनके तैयार हैं। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये बहुत गर्म है, अब मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ। ये देखिए ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमारी रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज फ्रेंड सपोर्ट माय चैनल। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।